दिया आप तक समाचार कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जलगांव शहर में नेहरू चौक पर बाबा हरदास राम मार्केट है, उस मार्केट के रास्ते पर जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा वहां पर रेत के ढिगार लगे हुए हैं, रेत के टीले लगे हुए हैं। जलगांव में तो रेत बंद है फिलहाल, तो ये रेत के टीले आए कहां से? आप भी जो स्क्रीन पर ये रेत का टीला देख रहे हैं, इसको देखकर मैं भी आश्चर्यचकित हुआ था और मैंने तुरंत इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि जब बंद है तो ये सारी चीजें आ कहां से रही है? जब मैंने इसका पता किया तो पता चला कि ये खूबचंद साहित्या जी की प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी पे ये इन्होंने रेत मंगाई है। मैंने खूबचंद साहित्या जी से बात की, उन्होंने बताया मुझे कि वो गुजरात से रेत मंगा रहे हैं। उनका तो सीधा सीधा सरकार पर आरोप था कि वो महाराष्ट्र का जो कारोबार है जो कुछ भी वो गुजरात भेज दे रहे हैं। क्या कहा और क्या रेट में उन्होंने वहां से रेत मंगाई, ये सुनिए, जरा आश्चर्यचकित हो जाएगी। साहित्या जी, जलगांव में रेती बंद है, आपने ये रेती कहाँ से लाई है अभी? मैंने ये रेती गुजरात नंदुरबार से मंगाता हूँ, ये टनों के भाव से रेती आती है, टन के हिसाब से बहुत ही रेती आती है, परमिट भी इसका पूरा बाकायदा मिलता है, 41 टन का एक गाड़ी आता है। तो क्या जरूरत आपको बाहर से मंगवाने की? यहाँ पर भी तो मेरा दो नंबर से तो यहाँ भी मिलता है। दो नंबर में दो रिश्वत दो, फिर पकड़ो, फिर परेशानी बढ़ाओ, अपनी नींद रात को हराम करो, और मुझे करीबन 200 से 300 टन रेती लगती एक टाइम, एक हफ्ते में 500-600 टन कहाँ से चोरी कर लाना माल। इसके लिए मैंने सीधा सीधा पावती से गुजरात से मंगाता हूँ, पिछले स्लैब पे भी मैंने गुजरात में मंगाई थी, अभी भी 10 नंबर उधर से ही आ रहे हैं, गुजरात से ही आएंगे। ये थे खूबचंद साहित्या जी, ऐसे ही अखबारों में ये काफी कुछ बड़ी बड़ी बातें लिखा करते हैं, आज कैमरे के सामने बोल भी रहे हैं। इनका सीधा सीधा आरोप रहता है कि सरकार जो है वो पब्लिक के फेत में काम नहीं कर रही है, बाहर से रेत मंगानी पड़ रही है 14 रुपए किलो, सोचिए रेत की कीमत बाहर क्या है और यहाँ मिल रही है। खैर जो कुछ भी हो, अगर ये रेत का ठेका जलगांव में लीगली शुरू हो जाता है तो सरकार को बहुत बड़ा मुनाफा होगा और यहाँ के लोगों को सस्ते में रेत भी मिलेगी, जो बांधकाम के काम बंद है वो वगैरह चालू हो जाएंगे। ऐसे भी देखिए रेत कुछ बंद नहीं है, दो नंबर से तो सब कुछ मिल रहा है, चोरी तो धड़ल्ले से चल रही है, गुटखा बंद है लेकिन हर पान की टपरी पे मिलता है, जहां पे दारू बंद है वहां पे चोरी छुपे मिलती है, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में तो आप देख ही रहे हैं कि गुटखा बंद होने के बावजूद हर जगह मिल रहा है, पुलिस स्टेशन और एसपी ऑफिस के सामने मिलता है, दूसरी जगह तो छोड़ दीजिए। खैर कहने का सिर्फ तात्पर्य यह है कि अगर आप कोई कार्यवाही करते हैं, कोई चीज बंद करते हैं, तो जनता के फायदे के लिए हो, ना कि नुकसान। गहने जो सजाए हसीन लम्हों को, हजारों डिजाइन्स जो बने मुस्कुराहट की वजह, विरासत जो जगाए हर मन में विश्वास, रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है।